Assalamualaikum to all YouTube members. Welcome back to my channel Life is Sam Vlogs. आज के व्लॉग में मैं आपको ले जाऊंगी बहावलपुर में चीज़ वैल्यू पे. आप सोच रहे होंगे दो दिन जश्न बहरा के बाद ये कहाँ गुम हो गई है. मैं भी आप सबको मिस कर रही थी, मुझे पता है आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे. और आई हूँ मैं आज न्यू व्लॉग के साथ. घर में गेस्ट आ गए थे, रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं. आप सबसे कनेक्टेड रहने के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने. रमज़ान के व्लॉग्स बहुत ही आपको एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, इबादत भी करेंगे, रोज़े भी रखेंगे, दुआएं भी करेंगे और आपके साथ रूटीन भी शेयर करती रहूँगी. आज मेरे घर आए हैं मेहमान, मेरी दो कज़न्स आई हैं जिनको करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि फिर तो रमज़ान है, रोज़े रखेंगे तो मार्केट बहुत कम जाना होता है. ईद वगैरह की अक्सर लोग शॉपिंग पहले कर लेते हैं, रोज़ों से पहले ही बना के कपड़े जूते, चलो जूते तो इंसान चांद रात मनाने के लिए उस टाइम ले सकता है, लेकिन कपड़े वगैरह सब बना के रख देते हैं. खैर मैंने इस बार कोई ऐसा नहीं किया सीन, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी. और हम लोग आ है चीज़ वैल्यू. मेरी कज़न को लेना था कुछ अबाया, शूज़, गाउन वगैरह, ये पर्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने लेनी थी. तो मुझे लगा कि चेज़ वैल्यू पे हर चीज़ मिल जाएगी और इतने मुनासिब रेट में मिल जाएगी, मुझे नहीं पता था. और हमने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कुछ लिया और बिल भी बिल्कुल मुनासिब सा बना. पहले हम लोग आए हैं पर्स, एंटर होते ही पहले पर्सेस वगैरह आ जाते हैं चेज़ वैल्यू में. जैसे कि जो लोग बहावलपुर में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से है. तो इतने अच्छे रीज़नेबल पर्सेस थे, फैंसी भी रीज़नेबल प्राइस में थे, कैजुअल भी रीज़नेबल प्राइस में थे. हमने एक पर्स लिया और उसके प्राइस भी रीज़नेबल थे और बहुत ही अच्छे थे. फिर उसके बाद मेरी कज़न को चाहिए था कलर, हेयर कलर चाहिए था. अच्छा मैं आपको बता दूँ, क्यूने के जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत बेस्ट होते हैं. मैंने खुद भी क्यूने का हेयर डाई किया हुआ है, कलर किया हुआ है और मैंने 9.43 कलर किया था जो कि बहुत बेस्ट था. आप भी जाएं उससे ओरिजिनल कलर आते हैं. खैर और सब का मुझे नहीं पता लेकिन क्यूने का बेस्ट है. मैंने खुद जो यूज़ किए वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी. उसके बाद हम सब देख रहे थे गाउन्स, मेरी कज़न को गाउन चाहिए था. आज मेरी कोई शॉपिंग नहीं है, जो भी समझो ले रही है मेरी कज़न ले रही है. मैं उनको बस कंपनी देने आई हूँ और साथ आई हूँ क्योंकि वो मेरे घर गेस्ट थे. हमने गाउन भी ले लिया था. उसके बाद मैं यहाँ पर ठहरी थी. मुझे ना आजकल वॉच का बड़ा दिल कर रहा है, मतलब दिल करता है प्यारी प्यारी सी वॉच पहनूँ. एक दिल करता है थोड़ा सा मतलब कि चेंज हो, डिफरेंट, क्योंकि ब्रेसलेट यूज़ कर लेती हूँ, वॉचेस बहुत कम पहनती हूँ. तो यहाँ पे मैं वॉचेस वगैरह देख रही थी तो बहुत प्यारी प्यारी वॉचेस और फुल सेट था, नेकलेस भी थे और इयररिंग्स भी थी और बहुत कुछ था वैरायटी. तो मुझे मैंने देख ली थी, पसंद कर ली थी. आप जाओगे इंशाल्लाह वो जब मैं अपनी शॉपिंग करने जाऊंगी तो आपके साथ वो शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी वॉच खरीदी और कैसे. तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि गाउन पहन के गई थी, कैजुअल बन के गई थी, क्योंकि जब शॉपिंग पर जाओ तो कम्फर्टेबल रहना चाहिए इंसान को. तो मैं गाउन लेती हूँ मोस्टली क्योंकि फिर कम्फर्टेबल होकर शॉपिंग हो जाती है. उसके बाद हमने देखी है शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाली, कॉटन की. आजकल का जो सीज़न चल रहा है तो कॉटन की एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स थी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में. मैं तो देख के हैरान थी, इतनी महंगाई में इतनी रिजनेबल प्राइसेस में शर्ट्स थी. और यहाँ पे ये टू पीस लगे हुए थे स्टिच हुए हुए. आजकल आप हालात देख ले, इतनी सिलाइयाँ महंगी हो गई हैं और यहाँ पर ये 16+ में टू पीस दे रहे थे. इतना अच्छा लॉन का स्टफ़ था. और साथ में आप लोग घर में कोई वाइट दुपट्टा, ब्लैक दुपट्टा, रमज़ान में नमाज का दुपट्टा पहन सकते हैं. इस तरह से जाएं अपनी पसंद के लोनों के टू पीस लें, ख़रीदें, पहने और बस जान छुड़ाएं अपनी, क्योंकि नहीं लगते भाई. मैंने सोचा हुआ ईद पे मैं भी कुछ ऐसे स्टिच वगैरह शर्ट्स ले आऊँगी, वो भी लोन के. और यहाँ पर जो फैंसी पसंद करते हैं उनके लिए भी दिखा रहे. आजकल मुझे ना बड़ा मेहरून, रेड और इस तरह से कलर्स ना अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये थे 3-पीस ऑर्गेन्जा फैंसी में ईद पार्टी वियर ड्रेसेस थे जो कि 3,000 to 4,000 की रेंज में, इतने सस्ते, मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइस में.
और चेस वैल्यू पे मेरी फ्रेंड होती है, जिनसे मेरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ चेस वैल्यू पे होती है, उसके अलावा हम दोनों मिल नहीं सकती। तो यहाँ पे भी आई, मैंने कहा आओ साथ में हैंडशेक करते हैं, क्योंकि हमने तो एक वो ड्यूटी पे होती हैं, स्टडी भी करती हैं और जॉब भी करती हैं, घर को माशाल्लाह मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ, अल्लाह पाक उन्हें आगे कामयाब करे। इतनी प्यारी दोस्त है मेरी, घर को ऐसी लड़कियाँ जो घर को सपोर्ट कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और मैं कहती हूँ इन लड़कियों को जितनी इनकी तारीफ़ की जाए, जितना इनको इनकरेजमेंट की जाए, इनकी वो बहुत कम है। मैं तो कहूँगी कि अल्लाह पाक हर लड़की को इस तरह से हिम्मत ताकत दे, अपने घर को भी सपोर्ट करें और मेरी दोस्त को भी ऐसे शादोबाद खुश रखे, कामयाबी अता करें। और यहाँ पे छोटी छोटी सी पर्स ठहरे थे, क्यूट क्यूट से, और हेयर कलर्स ठहरे थे। इस तरह से मेरी कज़न बिल करा रही थी, क्योंकि हम लोग उसने गाउन वगैरह जो सब लिया था ऊपर, हर जगह पे ना इनके काउंटर्स थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहाँ पे आप शॉपिंग करें वहाँ पे बिल बना सकते हैं। तो इसने ऐसे किया, जहाँ की शॉपिंग की वहीं से बिल बनाते गए थे। तो खैर हमें मसला नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ शूज़। मुझे गोल्डन कलर जो होता है ना, गोल्ड कलर, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ और एक जो रेड मैरून अनारी रेड, ये बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे ठहरे थे रेड कलर की शूज़, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। मतलब ठीक है हम विंटर में भी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे शूज़ मुझे लगता है कि चल जाते हैं हर सीज़न में। तो गोल्ड कलर का ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और मेरी कज़न को घर में पहनने के लिए शूज़ चाहिए, तो उसने वो ले ली थी। और ये आपने अभी फ्लोरल जो मिस्ट वगैरह ये देखी है ना, इनको मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था, उनकी खुशबू घर आते ही ख़त्म नहीं हुई। और इनके फ्लोरल मिस्ट जो थे ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ पे फिर हम ज्वेलरी सेक्शन में आ गए थे, बेंगल्स वगैरह थी जो हमें पसंद आई, तो वो हमें साइज़ नहीं मिला। ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब हर साइज़ रखना चाहिए इनको। तो नेकलेस वगैरह भी देखे और टॉप्स वगैरह भी देखे, वो भी कुछ खास पसंद नहीं आए, क्योंकि ऐसे बहुत चल चुके थे और थोड़े डिफरेंट देखना था। उसके बाद हम आए रिंग सेक्शन में, तो रिंग्स की इतनी वैरायटी थी, आप यकीन करें 99 से स्टार्ट, मतलब 100 से स्टार्ट हो के आप 150, 200, 250 तक हर तरह की रिंग्स ले सकते हैं। और मुझे फिर से वही मैरून रेड अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने पहन के देखा, इसमें और भी कलर्स थे। आप मुझे बताएं कौन से कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट में बताइएगा लास्ट में। और रिंग्स में बटरफ्लाई वाली कलेक्शन भी थी, रिंग पे बटरफ्लाई बना हुआ था, ये थोड़ा सिल्वर में कलेक्शन थी, और ये भी अच्छी लग रही थी, अच्छी खासी। और इसमें काफ़ी सारी वैरायटी थी, मैं देख रही थी मामा को ले आऊँगी साथ में, कोई अच्छी अच्छी, मामा को रिंग्स बहुत पसंद है मेरी। तो मैं शॉपिंग करते टाइम कुछ लोगों को मिस करती हूँ, वो है मेरी सिस्टर्स, मेरी दोनों सिस्टर जिनकी शादी हो गई है, वो अगर व्लॉग देख रही है तो आई मिस यू सो मच, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आप भी मुझे मिस करती है कि भूल गई है। और ये नेकलेस वगैरह देख के तो मुझे बड़ी आपकी भी याद आती है, वो इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद करती है, हैवी ज्वेलरी उनको बहुत अच्छी लगती है। और मेरा दिल करता है कि मैं सारा कुछ उनको लेके गिफ्ट कर दूँ, इस तरह से मेरा दिल करता है। और यहाँ भी होते हैं, हम लोग घर वापस आ गए थे, घर वापस आते ही मुझे थोड़ा कुछ एनर्जी लो हो गई थी, तो मैंने स्ट्रॉबेरीज पड़ी थी, स्ट्रॉबेरीज को चाट मसाले के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।